हाँ रवि बोल, क्या करूँ यार, मेरा बेटा राजू अकेला रहने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं और कविता उसी को मनाने में लगे। हाँ चल करते हैं कुछ, आधे पौन घंटे में पहुंचते हैं हम लोग। जल्दी करो यार, तीन बार फोन आ चुका है। ए बेटे राजू, बी ए गुड बॉय, मम्मी पापा को जाने दो, आज तुम अकेले रह जाओ बेटा। ए राजू बेटा, ए राजू, मनाओ ना उसे यार, आखिर में सारी मुसीबत मेरे ही सर पड़ जाती है। हेलो, हाँ यार बस निकल रहे हैं दो मिनट, बाकी सब आ गए। हाँ हम भी पहुंचते हैं। या यार डोंट वरी, बाय। लेकिन तुम अकेले कहाँ हो, रामू तुम्हारे साथ रहेगा ना। रामू देखो भैया का अच्छे से ख्याल रखना, इसको अकेले मत छोड़ना। आपके साथ दिवाली बनानी है। हाँ राजू बेटा समझा करो, इसकी दिवाली पर सब अंकल आंटी हमारे यहाँ आए थे ना दिवाली मनाने, आए थे ना। पर इसका अगर उनके घर नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे ना। प्लीज बेटा मान जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे पटाखे लाया हूँ, ढेर सारी मिठाइयाँ लाया हूँ। सर बाहर तो और भी पटाखे पड़े हैं, खूब सारी मिठाई खाओ और खूब सारे पटाखे फोड़ो। That's like a good boy. I love you, my son. देखो पहले खाना खा लेना, ठीक है? रामू भैया को खाना खिला। एक तो तुम्हें तैयार होने में इतना टाइम लगता है, फिर राजू ने और लेट करा दिया, वहाँ पे तो कई बाजियां हो भी चुकी होंगी। ओपो, तो कोई खेल खत्म तो नहीं हो गया होगा ना, सारी रात पड़ी खेल लेना। चलो रवि साहब के यहाँ चलो जल्दी। दीपावली मनाने नहीं आया तो मैं चला आया। ये देख, ये देख, नहीं मैं तो पीता ही नहीं,
अबे दीपावली के दिन मना करेगा तो पाप लेगा पाप। चल चल चल। नहीं मैं नहीं चल सकता। क्यों? देखना मालिक और मालकिन खुद तो चले गए दिवाली मनाने और राजू को छोड़ गए मेरी जान पर। अरे धत तेरे की, उनकी दिवाली है और तेरी नहीं। हाँ देखना यार सारा मूड खराब हो गया। चल कोई बात नहीं, तेरे कमरे में बैठते हैं और अपनी दिवाली मनाते हैं। नहीं यार मुझे राजू का ध्यान रखना है। ऐसा करते हैं बाहर बैठते हैं, राजू बाहर पटाखा छोड़ेगा, हम लोग बैठ के दीपावली मनाएंगे। चल नहीं 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 चढ़ी नहीं है। तुम वहां बैठो मैं अभी खाना देता हूँ। राजू बाबू सुनो कहाँ जा रहे हो? मैं फटाका फोड़ के आ रहा हूँ। राजू बाबू देखो मुझे नहीं लगी है, मैं डंडे की तरह सीधा खड़ा हूँ। राजू बाबू आपके पास जाओ। नहीं है। कहाँ गए? बनाने। घर में अकेले हो? सिर्फ नौकर है। तुमने उस शराबी के हवाले छोड़ दिया? मुझे बहुत डर लग रही है। नहीं बेटा मैं अच्छा चलो
कपड़े बदल लो। बेडरूम में। तो बदल लो। कबर्ड में। आप आइए ना। कहाँ है तुम्हारा बेडरूम? अच्छा चलो। अरे इन घावों को देखकर मुझे बचपन की मेरी बात याद आई। क्या है ना, बचपन में हमारे मोहल्ले में एक बुड्ढा रहता था, बड़ा घूसट था। घूसट बच्चों को मारता फिरता था, सारे बच्चे उसे घबराते थे। फिर हम लोग ने फैसला किया उससे बदला लेना चाहिए। दिवाली आई तो हम लोग उसके घर पहुंचे। बातों ही बातों में मैंने बड़ी हिम्मत करके उसके धोती के पीछे पताहों की एक लंबी सी लड़ी लगा दी और उसके सामने बैठे रहे, मिठाई खाते रहे, उससे बात करते रहे। फिर मेरे दोस्त ने एक माचिस की काड़ी ली, माचिस जलाई और उसके पिछोड़े लगा दी। उसके बाद क्या हुआ पता है? वो ऐसे 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 बंदरों की तरह नाचने लग गया। बाद में हमें पता चला कि उसके पिछवाड़े इससे भी बड़े छाले लगे हुए थे। सच? होश ठिकाने आ गए उस दिन के बाद। अंकल फिर इसके भी होश ठिकाने लगा दे। जो कुछ भी किया वो गलत है। अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अंकल आप कौन हो और आप किधर से आए? वो तू बाहर चिल्ला रहा था ना, तो मैं गुजर रहा था, तुझे बचाने चला आया। अच्छा मैं चलता हूं। अंकल प्लीज मत जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप जल्दी आ जाना पापा, आप आओगे ना? पापा आप जल्दी आ जाना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। पापा आप आओगे ना? जल्दी आ जाना, आप जल्दी आ जाना। इसे जगा के देखते हैं। भाई साहब रामू है। अच्छा अच्छा रामू रामू ये उठने नहीं वाला है। ठीक है मैं रुक जाता हूँ। पापा आपने मुझे कल मिठाई और पटाखे नहीं लाए तो आपसे कुट्टी कुट्टी कुट्टी। पापा कल लाओगे ना? मिठाइयां नीचे जमीन पर। क्या क्या सुनिए? क्या क्या
किसने कर लिया? और किसने किया? I'm sorry, अंकल। मम्मी ने कहा जो चीज जमीन पे गिर जाती है वो गंदी हो जाती है और उसे खाने से आदमी बीमार हो जाता है। और अमन भाई, इस बार कैसी दिवाली मन रही है? क्या स्कोर हो रहा है? भाई का स्कोर यार चुपचाप खेल, पहले ही बहुत हार चुका हूँ। क्यों? पिछले साल तो बहुत कुछ थे, हार दिलाया था ना भाभी को दिवाली पर। अरे पिछले साल की छोड़ यार, शायद इस बार तो तू दिलाएगा भाभी को हार। लगा दिए? हाँ। बस हो गया। खाना नहीं खा रहा तू? अरे तो भूल गया था, तू तो अपना जख्मी शेर है। आजा।
मैं तुझे खिलाता हूँ। चलो 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 चलो। क्यों तू तो ठंडा खाना खाता नहीं, तुझे खाना क्यों गर्म? चल ले साफ करो, मैं प्लेट उठाता हूँ, तू अच्छे बच्चे की तरह जाके सो जा। चल बेटा, तुम्हारे माँ बाप आ गए तो ये कि मैं चोर हूँ बेटा, चोर। मैं तुम्हारे घर चोरी करने आया था। नहीं अंकल, नहीं, आप चोर नहीं हो सकते हो। आपने मेरी जान बचाई है और आपने मेरे नकल पे मरहम लगाई है और आपने अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया है। चोर कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बेटा, हाँ मैं चोर नहीं हूँ बेटा, मैं चोर नहीं हूँ, एक मजबूर और बेबस बाप। जानते हो बेटा, मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक बेटा है, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितने पिछली दिवाली को मैंने उससे वादा किया था कि मैं अगली दिवाली पर उसे मिठाई पटाखे खरीद कर दूंगा, लेकिन कंपनी में हड़ताल की वजह से मैं अपना यह वादा निभा नहीं पाया इस साल। कल जब उसने मुझसे मिठाई और पटाखे मांगे तो मैं वो पड़ा, इसलिए मैं चल रहा है उस मासूम की इच्छा पूरी करने के लिए। मैं तुम्हारे घर चोरी करने चल रहा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए बेटा। थोड़ी सी मिठाई और पटाखे चुराने आया था, गरीबी और बेबसी की वजह से मेरे की चेहरे में चमक चली गई है। मुझे लगा अगर मैं उसे मिठाई और पटाखे दूं तो उसके चेहरे पर फिर से हंसी आ जाएगी, उसका चेहरा खिल जाएगा बेटा। इसीलिए मैं चोरी करने तुम्हारे पास चला आया। मैं चोर नहीं हूं बेटा, मैं चोर नहीं हूं। अंकल, आपको दिवाली मनानी है ना? ये लीजिए। ये किस लिए? इसके बिना दीपावली कैसे मनाएंगे? इसका और दीपावली का कोई रिश्ता नहीं है, जुआ खेलना पाप है। पर दीपावली तो ऐसे मनाते हैं। इस तरह दीपावली मनाना दीपावली का अपमान करना है। हमारे यहाँ पिछले साल ऐसी दिवाली मनाई गई थी,
और आज भी मेरे मम्मी और डैडी ऐसे दिवाली मना रहे होंगे। इस तरह दीपावली मनाना गलत बात है। दीपावली का संबंध खुशियों से होता है। इस तरह की दीपावली खुशियां नहीं लाती, और अगर लाती भी है ना तो दूसरों के घर की खुशियां छीन कर लाती है। अच्छा तुम्हें पता है दीपावली क्यों मनाई जाती है? नहीं। मैं बताऊं, रावण वध के बाद जब श्री रामचंद्र जी अपना 14 साल का वनवास खत्म कर अयोध्या पहुंचे, तो उनके अयोध्या पहुंचने का वक्त अमावस की काली रात का वक्त था। रावण यानी बुराई पर अच्छाई की जीत और श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने की खुशी में सारा अयोध्या झूम उठा था। लोग दिए जला रहे थे, रोशनी कर रहे थे, ताकि उस काली रात की नजर उन खुशियों को ना लगे। उस रात इतनी रोशनी की गई, इतनी रोशनी की गई, दिन की तरह रोशन हो गई। बेटा, खुशियों के इस त्योहार अगर हम छल कपट से या जुए शराब में डुबोकर या दूसरों की खुशियां छीन कर मनाते हैं तो ये त्योहार का अपमान होगा कि नहीं? दीपावली को कैसे मनाते हैं? सबसे पहले उसके कमरे तक पहुंचाना चाहिए। चलो बेटा। पवित्र अग्नि होती है, हर संकट इस अग्नि के सामने जलकर भस्म हो जाता है। बेटा, दिए जलाना ईश्वर की पूजा का प्रतीक है। जब हम दिए जलाते हैं मानो हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। ये ले शो। अभी जीत के लौटा था। देख दोस्त, यहाँ दिवाली पर उधार लेना देना अच्छी बात नहीं है, ये अब शगुन माना जाता है। प्लीज जाना, भाभी से ले आना। भाभी? यार मैं जीत के, जीते तो दिवाली, हारे तो दिवाला। क्यों पैसे वैसे नहीं है, मैं गेम आधा छोड़कर बीच में आई हूँ, जाके खेलो। पिछली दिवाली पर जब मैं जीता था तब उसी वक्त जाकर ये हार खरीद कर लाई थी, भूल गई? आज जरा से पैसे मांग लिए तो बातें सुना रही? और मत करना मुझे अपनी हार की। लो रखो, मुझे नहीं चाहिए, खेलो।
ये रंगोली है, दीपावली की शुरुआत इसी से होती है। घर में खुशियों का स्वागत करने के लिए इसे मुख्य द्वार पर सुबह सवेर लगाया जाता है। पता है लक्ष्मी भी उसी घर में प्रवेश करती है जिसके द्वार पर रंगोली यानी खुशियां उसका स्वागत करती हैं। तुम मिला तो हाँ यहाँ चलो चलो। हजार की ब्लाइंड पैक कर गया तुम और मैं। चल हजार की और ब्लाइंड छह में शो कर। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति पूजन से होती है और अगर लक्ष्मी के साथ हो तो हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाती, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। चलो अब तुम इन्हें तिलक लगाओ। मुझे पूजा करनी है। ठीक है मैं जैसा कहूं वैसा करो। चलो तिलक लगाओ। ओम गंग गणपते नमः। ओम लंबोदाराय नमः। बेटा अब अक्षत डालो। ओम लंबोदाराय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम लंबोदाराय नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम लंबोदाराय नमः। ओम लंबोदाराय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम लंबोदाराय नमः। अब पूजा संपन्न। अब क्या करें? अब हम प्रसाद खाएंगे। अब बेटा घर में तो बड़े हैं ना, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, सारी खुशियां तुम्हारे दामन में भरते हैं, तुम्हारे हर कार्य से तुम अपने मां बाप का मन खुश रखते हैं। और अब हमें खुशियां मनानी चाहिए। चलो 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 जल्दी 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 बेटा, ये लोग भी मेरी तरह बदनसीब हैं। इसका मतलब ये कि वो हमारे घर चोरी कर रहे हैं? नहीं बेटा, हर गरीब मेरी तरह कमजोर नहीं होता। बेटा जो खुशियां तुम्हारे पास है ना वो इनके पास नहीं है, इसलिए जब तुम पटाखे जलाओगे ना ये लोग तुम्हें देखते रहेंगे। मेरे पास तो बहुत पटाखे हैं, क्या मैं इनको दे दूं? इन लोग चला ले। हाँ बेटा, दिवाली के सही मायने में खुशियां बांटना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सही मायने में दिवाली मनाओगे। चलो बच्चों, राजू तुमसे अपनी खुशियां बांटना चाहता है, तुम्हें ये सारे पटाखे देना चाहता है ताकि तुम भी खूब अच्छे से दिवाली मनाओ। लो बच्चों बेटा दौड़, ये लो ले लो, लो राजू दौड़ ये लो, ये लो, जाओ तुम लोग भी दिवाली मनाओ। हाँ खूब अच्छे से दिवाली मनाना। हाँ जाओ।
अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम? अरे क्या हुआ, कहाँ ले जा रहा? ये अरे बेटा ये सब क्या है? ये आपकी दक्षिणा है। इससे अनमोल मेरी दक्षिण आज हो नहीं सकती। सुबह होते ही मैं मेरे मम्मी डैडी से कहूंगा मेरी दिवाली कितनी अच्छी है, उनसे भी अच्छी। दिवाली तुमने मेरे घर में मेरे बेटे के साथ मनाई है, अब वैसी दिवाली हर साल मनेगी, ये वादा है मेरा। ये कुछ रुपए हैं, फिलहाल हम लोग के पास इतने ही है, इसे रख लीजिए। नहीं बहन जी, आप इसे रख दीजिए। नहीं बहन जी, का इलाज कराइएगा इससे। तुमने हमारी आंखें खोली हैं, देवा का इतना मौका तो दो। और अनजाने में तुम्हें मार बैठा, भाई समझ कर मां कैसी बात करते हैं। अच्छा चलो हम सब चलते हैं और तुम्हारे बेटे के साथ सब मिलके खूब अच्छे से दिवाली मनाते हैं। हाँ, चलो चलो बेटा। चलो कविता। हाँ हाँ भाई, आओ आओ, आओ चलो चलो। बड़ा जल्दी जल्दी उठाओ पटाखे, अंकल के बेटे को देना है ना। लो लो भाई, लो उठाओ उठाओ, ये लो, आओ आओ चलेंगे। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ। चलो बेटा जल्दी चलो। बेटे आप आगे बैठिए मामा के साथ। आओ बैठो, जल्दी बैठो बैठो। क्या सोच रहे हो? ओ, ओ, बेटा इंतजार कर रहा होगा जल्दी पहुंचना है कि नहीं। आओ बैठो सब। अरे बैठो बैठो। ये बात
चलो भाई।